हमारे दिमाग में जो डर है ना कि यार मैं अंधेरे में जाऊंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यार मैं ये कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, यार आपके ऊपर तलवार लटका देते हैं माता पिता बहुत सारे, भाई अब तेरी 25 ये ग्रेजुएशन होगी है, एमए होगी है, अब एक साल और है तेरे पास, तो उसके बाद तेरी शादी कर देंगे। ये डर जो है ना, अभी भी पेरेंट्स को अब आप समझाना शुरू करो, अपने माता पिता को समझाना शुरू करो कि भैया हमारी जिंदगी है, हमें आगे बढ़ना है, मगर माता पिता भी आपके साथ जब खड़े होंगे, जब आप वास्तव में कुछ करेंगे, वास्तव में आप में कुछ टैलेंट होगा, वास्तव में आप सीरियस दिखोगे अपने करियर के प्रति, अपने गोल के प्रति, तब तक माता पिता भी आपको आपको सीरियस नहीं लेंगे। कोई बच्चा अगर आईएएस की तैयारी कर रहा है, मन से कर रहा है, 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रहा है, तो माँ बाप समझ जाते हैं, उनके चाहे कपड़े बिक जाएंगे मगर आपको पढ़ाएंगे। तो फिर क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स? अच्छा आपने कहा कि सर हम जो है, हम अब जैसे आप कहेंगे कि हम तो सर हमारी कर्म इंद्रियां बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छे अच्छे काम ही नहीं करते हैं, वो एनिमलिस्टिक है, वो ऑटो पायलट मोड पे है। जानवरों ने वहीं वहां पे भी हरा दिया हमको, कुत्ते से तेज दौड़ सकते हैं क्या हम? उस इंद्रिय में हरा दिया उसने, बात से तेज देख सकते हैं हम, उसने वहां भी हरा दिया प्रभु जी, कुत्ते से तेज सूंघ सकते हैं हम, यहां भी हरा दिया उसने, तो फिर क्या फर्क है? नाउ लेट मी आंसर स्टूडेंट्स, जो फर्क है वो ये है कि आप आध्यात्मिक ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि ही एक कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनियां हैं। खुशी एक ऐसी चीज है, हैप्पीनेस एक ऐसी चीज है जिसके बिना सब चीजें अधूरी है। अगर आपको दुनिया में जो चाहिए वो मिल भी जाता है, लेकिन अगर हैप्पीनेस नहीं मिलती तो उस चीज के मिलने का भी कोई फायदा नहीं होगा लाइफ के अंदर। इसलिए हैप्पीनेस इज द प्राइम थिंग जो जिसके पीछे भागना चाहिए। स्टार्ट हुआ, योगा सेशन में बहुत मजा आया, बहुत अच्छे अच्छे योगा सीखे हमने। उसके बाद ध्यान संघ का वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो उन्होंने बताया, सोसाइटी का रोल बहुत अच्छा था उनका वो सेशन। फिर उसके बाद सूफी सर ने जो हमें ब्रेन एक्सरसाइजेस करवाए उनमें बहुत मजा आया। लास्ट में कृष्णायन बहुत अच्छा और इमोशनल एक्ट था, उसमें बहुत अच्छा लगा।
आज हमारा ऊर्जा डे 4 था और स्टार्टिंग के अंदर हमारा सेशन 1 जो था उसके अंदर ध्यान सर ने हमें बहुत अच्छा वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बताया। फिर सेशन 2 था हमारा सूफी सर का, उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डअप के हमें बहुत सारी टिप्स दी। और फिर बाद में थर्ड सेशन था हमारा कृष्णायन, जिसके अंदर मोनिका मैम को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज वो बहुत अच्छा था, हमें दिल से फील हुआ कि कृष्णा हमारे साथ है, थैंक यू। स्टार्टिंग में आज ध्यान सर का हुआ तो उन्होंने काफ़ी अच्छा वुमेन सेफ्टी के बारे में बताया और कैसे क्या होता है, मतलब सेफ्टी और समाज सोसाइटी का भी रोल काफ़ी किया। फिर आरजे सूफी सर आए, उनके में काफ़ी इन्जॉयमेंट था और लास्ट में कृष्ण लीला तो बहुत ही प्यारी थी, उसमें मतलब एकदम हार्ट अटैच वाला फीलिंग था, तो काफ़ी सब कुछ बहुत प्यारा था।